हर फोटोग्राफर फोटो खींचने के बाद एक बार ऐसे करके देखता जरूर है कि मेरी फ़ोटो कैसी आई। वो जो आप देखते हो उस स्क्रीन के ऊपर, उसको एनालाइज करना आपको आना चाहिए अच्छे से। जैसे ही आपने एक फ़ोटो खींचा और आपकी फ्रेम के ऊपर जो पिक्चर आई हुई है, उससे तुरंत आपके दिमाग में एक फीडबैक आनी चाहिए कि मेरी पिक्चर ओवर साइज़ में जा रही है या अंडर साइज़ में जा रही है, उसका मैं थोड़ा सा कंपनसेट कर लूँ। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से थोड़ा सा प्लस कर लो या थोड़ा सा माइनस कर लो, जैसा चाहोगे वैसा कर सकते हो और आपका रिज़ल्ट उसके हिसाब से आ जाएगा। देन अगेन, हर इंसान का टेस्ट अपना अलग अलग होता है। किसी को डार्क पिक्चर अच्छी लगती है, किसी को लाइट पिक्चर अच्छी लगती है, किसी को अपनी बिल्कुल फेयर फ़ोटो अच्छी लगती है, किसी को अपनी बिल्कुल एक्चुअल फ़ोटो अच्छी लगती है। तुम सामने बैठो, एक चीज़ मैं बताता हूँ, आ जाओ तुम, आ जाओ। अब इसमें मैं फ़ोटोज़ खींचता हूँ, एक ये फ़ोटो है, पिक्चर देखना लाइट होती जाएगी धीरे धीरे, लेकिन उसके साथ में और क्या फ़र्क आ रहा है वो देखना। लोगों को ये पिक्चर पसंद आती है, लेकिन क्या तुम्हें पसंद आ रही है ये पिक्चर? नहीं आ रही है ना पसंद? क्यों नहीं पसंद आ रही? चेहरा तो खूब अच्छा गोरा दिख रहा है, डिटेल्स नहीं आ रहे हैं इसमें। तो कभी भी पिक्चर जब अपन ऐसे करके देखते हैं ना कि कैसी आ रही है, तो खाली चेहरे को नहीं देखना चाहिए, चेहरे के जो डिटेल्स हैं ना। अब इसमें देखो, नाक और गाल के बीच में कुछ डिफरेंस दिखता ही नहीं है, लेकिन जैसे ही अब इसको मैं थोड़ा सा डाउन करता जाऊंगा, अभी थोड़ा सा और इम्प्रूव होगी। थोड़ी इम्प्रूव हुई पहले से, और अगर इसके बाद अगर ये वाली पिक्चर देखते हो, ये वाली पिक्चर देखते हो, इसमें देखो तुम्हारी जो शर्ट पहनी है इसने, है ना, ऑल द शर्ट इज़ ब्लैक, लेकिन क्या दिख रहा है इसमें? ब्लू दिख रहा है, ग्रेइश दिख रहा है, वाइट इफेक्ट आ रहा है उसमें, रियल कलर्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप सही डायफ्राम दोगे पिक्चर का, आपका फेस भी क्लियर होगा, एक एक रिंकल्स चेहरे के क्लियर आ रहे हैं, पूरे एक्सप्रेशंस क्लियर आ रहे हैं, आंखें देखो इसमें कितनी सुंदर लग रही हैं, एंड आपका जो शर्ट पहना है, शर्ट के एक एक बॉर्डर, ये जो डिटेल्स है ना, टेक्सचर दिखाई दे रहा है इसका, है ना। वेयर एज वो वाली जो फ़ोटो थी, इस वाले टेक्सचर में डिफरेंस देखो और उस वाले में टेक्सचर डिफरेंस देखो, ये बिल्कुल आपके ओरिजिनल कलर्स हैं। ये तो फिर भी ब्लैक कलर है। अंजुला तुम आना जरा, यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे ही मैं इसको अगर मैं ओवर एक्सपोज कर दूंगा, इसमें फेस बहुत अच्छा है, शर्ट भी अच्छी लग रही है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं डार्क कर दूं और अच्छा हो जाएगा। तो ये जब आप फ़ोटो खींचते हो तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ तक जा सकता हूँ मैं। अंजुला पसंद आ रहा तुम्हें फेस कि नहीं आ रहा? बेटर है, लेकिन ये इस सच्चाई को बहुत कम लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसका टेस्ट भी आपको जानना ज़रूरी है। बट दिस इज़ अ रियल पिक्चर, बहुत अच्छी पिक्चर है ये, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा आपको कि मेरा जो क्लाइंट है वो क्या चाहता है। कुछ लोगों को ये वाली पसंद आती है, कुछ लोगों को ये वाली पसंद आती है। तो एक एवरेज आदमी जो होता है उसको ये वाली पसंद आती है, लेकिन इसमें इसे चेहरे के पूरे देखना, जो नोज़ और चीक्स के बीच का जो एक पार्टिंग लाइन होना चाहिए ना, वो गायब है इसमें। वेयर एज ये वाली जो फ़ोटो है, इसमें आपकी एक एक फेशियल एक्सप्रेशंस क्लियर है। यहाँ पे ये जो यहाँ नोज़ है और यहाँ चीक है, अलग से दिख रहा है, वेयर एज
ये वाला जो फोटो रहेगा ना उसमें आपको थोड़ा सा गैप मिलेगा दोनों के बीच में। अब ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी पिक्चर चाहिए। इसमें आपकी शर्ट उतनी क्लियर नहीं है जितनी कि इस वाली में क्लियर है, तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं कि आप चूज़ कर लो कि मुझे किस टोन की पिक्चर चाहिए।